नमस्कार, मैं पंकज आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं एक नए टॉपिक पर बात करूंगा कि कैसे आप लॉयल कस्टमर बना सकते हो। आज के समय बिजनेसेस को बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है लॉयल कस्टमर बनाने के लिए। उनको महीनों लग जाता है, सालों लग जाते हैं एक लॉयल कस्टमर पाने के लिए, और कुछ सेकंड्स लगता है उनको खोने के लिए। इसीलिए बिजनेसेस का आज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल बन गया कि कैसे वो लॉयल कस्टमर बना सकते हैं। इसीलिए आज मैं इस वीडियो में आपको 5 ऐसे स्टेजेस देने वाला हूं जिसको इस्तेमाल करके आपका जो भी कस्टमर है, पोटेंशियल कस्टमर है, वो आपका लॉयल कस्टमर बन जाएगा। तो एक बार वो 5 स्टेजेस देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेज 1, जहां पे आपका पोटेंशियल ऑडियंस आपका विजिटर बनता है। यानी अगर आपका पोटेंशियल ऑडियंस को आपका एड अच्छा लगा या आपके बिजनेस के बारे में अगर उसने कहीं से सुना तो आपको सबसे पहले विजिट करता है, यानी आपके वेबसाइट में विजिट करता है। स्टेज 2, जहां पे विजिटर आपसे सबसे पहले बार इंक्वायरी करता है। यानी जो भी विजिटर है अगर उसको आपका बिजनेस अच्छा लगा, आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो आपसे फर्स्ट टाइम इंक्वायरी करता है। या तो वो ईमेल करेगा या तो वो आपको फोन कॉल करेगा, इस तरीके से। देन आता है स्टेज 3, जहां पे आपका इंक्वायरर फर्स्ट टाइम बायर बन जाता है। यानी आपसे वो इंक्वायरी कर लिया, अब उसको आपके बिजनेस में ट्रस्ट हो गया है तो आपसे फर्स्ट टाइम बाय करता है। देन आता है स्टेज 4, जहां पे वो फर्स्ट टाइम बायर आपसे रेगुलर बाइंग करने लगता है। यानी वो अब आपके बिजनेसेस को ट्रस्ट करने लगा है, अब वो आपसे अच्छा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने का कोशिश करेगा तो आपसे रेगुलर बाइंग करेगा। और जो 5वां है वो है आपका जो रेगुलर बायर है वो आपसे रिपीट बाइंग करने लगता है। यानी अब आपका बायर को कुछ भी खरीदना हो तो वो आप ही से बाय करता है, यानी वो आपसे रिपीट बाइंग करने लगता है। जब इन स्टेजेस को वो पार कर लेता है ना कस्टमर, तब वो आपका लॉयल कस्टमर बन जाता है। तो यही है पूरा सीक्रेट फॉर्मूला। और जो सबसे जरूरी बात है कि ये सारा स्टेज एक सीक्वेंस पे चलता है, यानी हर स्टेज एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अगर आप किसी भी स्टेज में फेल हो रहे होंगे ना, तो इसका जो सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन ये होगा कि आपने पिछले किसी स्टेज में आपने कुछ गड़बड़ की होगी। तो अगर आप उस स्टेज को इम्प्रूव कर दीजिएगा तो वो आपका स्टेज ऑटोमेटिकली चलने लगेगा, आगे बढ़ने लगेगा। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और जो दूसरा सबसे जरूरी चीज है कि आपका जो भी स्टेज है ना, हर स्टेज का एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होगा। यानी आपको जो भी मार्केटिंग कम्युनिकेशन या कॉन्वर्सेशन होगा, यानी अल्टीमेटली आपका जो भी मार्केटिंग मैसेज होगा, आपको क्या मार्केटिंग मैसेज अपने कस्टमर तक पहुंचाना है, उसके दिमाग में डालना है, वो चीज आपको यहाँ पे तैयार करके रखना पड़ेगा। तभी आपका सारा स्टेज आपका कस्टमर पार करेगा और वो आपका लॉयल कस्टमर बन जाएगा। तो अब हम डायरेक्टली बढ़ते हैं उन स्टेजेस पे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा पिछला कुछ वीडियोस नहीं देखा है, जहां पे मैंने आपको 14 ट्रैक्शन चैनल के बारे में बताया कि जहां से आप एक्सक्लूसिव कस्टमर ग्रोथ पा सकते हो, कस्टमर टच पॉइंट से ग्रेट कस्टमर एक्सपीरियंस कैसे क्रिएट कीजिएगा, उसका मैंने आपको डिटेल में केस स्टडी दिया है। स्टारबक्स से आपको 5 ऐसे लेसन जो सीख के अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हो, उसकी भी मैंने वीडियो दिया है। और ब्रांड्स बिना एडवर्टाइजिंग के कैसे इतने ज्यादा ग्रो कर लेते हैं, उसकी भी मैंने 2 केस स्टडी दी है, टेस्ला और बड़ा बिजनेस का। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे इस तरीके का पावरफुल बिजनेस कंटेंट बनाने के लिए। तो हम लोग चलते हैं डायरेक्ट अपने स्टेजेस पे। जो हमारा सबसे पहला स्टेज है वो है अट्रैक्टिंग द राइट विजिटर। इस स्टेज में जो आपको सबसे पहला चीज करना है ना, यहाँ पे आपको अपना जो भी पोटेंशियल विजिटर है, यानी आपका जो भी पोटेंशियल कस्टमर है, उसे आपको अपने वेबसाइट में विजिट करवाना है। ये कैसे होगा, जब आप अच्छे तरीके से अपना मार्केटिंग करोगे, आपका मार्केटिंग कम्युनिकेशन अगर सही होगा ना, तब लोग आपके आपका पोटेंशियल कस्टमर आपको जरूर विजिट करेगा। ये बहुत ही रिस्की स्टेज है, क्योंकि इस स्टेज में आप मार्केटिंग ज्यादा करते हो, रिजल्ट कम मिलता है। क्योंकि इस स्टेज में आपका जितना भी मार्केटिंग कम्युनिकेशन होगा ना, उसे लोग इग्नोर करेंगे। क्योंकि लोग आपको पहली बार देख रहे हैं, तो पहली बार में वो आपके मार्केटिंग मैसेज को समझ नहीं पाएंगे, वो लोग आपको जरूर इग्नोर करेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपका मार्केटिंग कम्युनिकेशन सही होगा, अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, तो लोग आपका वेबसाइट को जरूर विजिट करेंगे। इसीलिए आपका जो इस स्टेज का जो मेन एम होगा ना, कि कैसे आप उनसे उनका नाम और उनका फोन नंबर या फिर ईमेल एड्रेस निकलवा पाओ, सच दैट आप उनको कांटेक्ट कर पाओ, या फिर आपके वेबसाइट में आपका कांटेक्ट डिटेल्स हो, सच दैट वो लोग आपको कांटेक्ट कर पाए। तो ये स्टेज 1 का आपका एम होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका मार्केटिंग कम्युनिकेशन कैसे होगा, 3 तरीके से आप मार्केटिंग कर सकते हो। सबसे पहला लाइमलाइट मार्केटिंग। इस टाइप की मार्केटिंग में आपका बिजनेस अचानक से लोगों को दिखने लगता है। कैसे, यहाँ पे अगर किसी न्यूज़पेपर ने आपके बिजनेस के बारे में कुछ बोल दिया हो, आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई आर्टिकल लिखा हो न्यूज़पेपर में, उससे हो सकता है। आप गेस्ट ब्लॉगिंग के तरीके से भी आप लाइमलाइट मार्केटिंग कर सकते हो। तीसरा, किसी टॉप साइट में आपके बिजनेस क्या मेंशन है, उनके आर्टिकल में आपके बिजनेस का मेंशन है, उस तरीके से भी लाइमलाइट मार्केटिंग हो सकती है। चौथा तरीका है, आपने अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट किया टीवी शोज में, वहां से भी आपका लाइमलाइट मार्केटिंग हो सकता है। और पांचवा है कि आप किसी पॉडकास्ट में एज अ गेस्ट जाओ और वहां पे आप अपना बिजनेस के बारे में बताओ, इस तरीके से भी
लाइनलाइट मार्केटिंग हो सकती है। दूसरा कि आप टारगेट कस्टमर मार्केटिंग भी कर सकते हो, यानी आपका जो भी पोटेंशियल कस्टमर है ना उसको आप डायरेक्ट अपना एड दिखाओगे, तो उस तरीके से भी कर सकते हो। कैसे होगा, फेसबुक एड्स रन करके कर सकते हो, आपको डिजिटल डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, यानी जो भी आप गूगल में बैनर एड्स देखते हो ना उस वहां वैसे भी आप कर सकते हो मार्केटिंग। देन है कि आप ऑफलाइन डायरेक्ट मार्केटिंग भी कर सकते हो, यानी डोर टू डोर सेल्स। देन चौथा है कि आप मीडिया आउटलेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और पांचवा सोशल मीडिया मार्केटिंग है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप अपना मार्केटिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से आप टारगेट कस्टमर मार्केटिंग कर सकते हो। तीसरा मार्केटिंग कम्युनिकेशन चैनल है, वो है इनबाउंड मार्केटिंग। ये बहुत ही इफेक्टिव चैनल है जहां से आपको कस्टमर के पास नहीं जाना पड़ता, कस्टमर आपको ढूंढते हुए चला आता है। ये कैसे, कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू से। अगर आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट क्रिएट हो सकता है, तो आप कंटेंट बनाइए सच दैट जो भी आपका पोटेंशियल विजिटर होगा ना वो उस टाइप के कंटेंट को ढूंढते ढूंढते आपके बिजनेस के बारे में रूबरू हो जाएगा और वो आपके बिजनेस के बारे में जान सकता है। तो कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हो। दूसरा एसईओ कर सकते हो। एसईओ क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी अगर आप ब्लॉग्स लिखते हो तो आप अपने ब्लॉग का एसईओ कर लीजिए सच डैट जो भी विजिटर सर्च इंजन पे जाके, जैसे गूगल पे, याहू पे जाके अगर कोई भी आर्टिकल सर्च करता है आपके बिजनेस से रिलेटेड, तो आपका आपका वेबसाइट सबसे पहले रैंक करे, उसके लिए आपको एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करना चाहिए। और जो तीसरा है वो है ऑर्गेनिक सोशल मीडिया मार्केटिंग, यानी आप इस तरीके के भी कंटेंट क्रिएट करके अपने सोशल मीडिया पे डाल सकते हो सच डैट वहां से आपको ऑर्गेनिक रीच मिले। तो ये तीन तरीके से आप इनबाउंड मार्केटिंग कर सकते हो। तो ये था मार्केटिंग कम्युनिकेशन की कैसे आप स्टेज वन में डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करके आप अपने बिजनेस के बारे में लोगों को अवेयर कर सकते हो। अब यही बात है कि अगर आपका यहाँ पे वेबसाइट एक्शन क्या होगा, यानी आपने तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन कर दी, अब आपका वेबसाइट में आप कैसा प्रिपरेशन होगा, आपका वेबसाइट कैसा दिखना चाहिए, तो यहाँ पे आपको एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करना है, यानी अपने H1 टैग को बढ़िया रखना है, यानी आपको जो भी हेडिंग टैग है उसको अच्छा तरीके से रखना है, जो भी अदर एच टैग्स हैं जैसे हेडिंग 2 टैग्स, हेडिंग 3 टैग्स, उसको भी सीक्वेंस में रखना है, मतलब सबसे पहले H1 टैग, देन H2 टैग, देन H3 टैग, इस तरीके से आपका वेबसाइट डिजाइन होना चाहिए। तीसरा आप इमेजेस का इस्तेमाल कर सकते हो, इमेज के थ्रू से भी आप बहुत सारे कस्टमर आपके बिजनेस से रूबरू हो सकते हैं। चौथा आप कीवर्ड यूसेज भी कर सकते हो, यानी आप कि अपने वेबसाइट में, यानी अपने वेबसाइट में, अपने ब्लॉग्स कंटेंट में वहां पे अपना कीवर्ड डाल सकते हो, अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड, सच दैट अगर लोग गूगल पे उस कीवर्ड को सर्च करेंगे और अगर आपका कंटेंट या अगर आपका वेबसाइट रैंक करेगा तो आप वहां से भी रीच हासिल कर सकते हो। और जो पांचवा है वो है आप सिंपल मेटा डेटा रखिए। तो ये था वेबसाइट एक्शन आपको जो स्टेज वन में रखना है। तो ये था हमारा सबसे पहला स्टेज। जो हमारा दूसरा स्टेज है वो है टर्निंग विजिटर इनटू इंक्वायरर्स, यानी इस स्टेज में अब आपका जो भी पोटेंशियल ऑडियंस था वो आपके विजिटर बन चुका है। अब वो विजिटर आपके पूरे वेबसाइट के, आपके पूरे बिजनेस को जानेंगे, आपके वेबसाइट को पूरी तरीके से छानबीन करेंगे, तब जाके वो आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स देंगे या फिर वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। तो ये वो स्टेज है जहां पे आपको अपना कॉन्वर्सेशन, जो भी आपका मार्केटिंग कॉन्वर्सेशन होगा ना, वेल प्लेस्ड होना चाहिए सच दैट आपके कस्टमर को पॉजिटिव सिग्नल मिले। और जो दूसरा है वो है कि यहां पे आपका बिजनेस को ट्रस्टवर्दी दिखना होगा, तो उस तरीके से आपको अपना टैक्टिक्स बनानी पड़ेगी। टैक्टिक्स कैसे बनेगा, तो ये कैसे होगा, आप अपने वेबसाइट का ओवरऑल लुक एंड फील को बढ़िया रखिए। अगर आपका यूजर इंटरफेस अच्छा होगा ना तो एक पॉजिटिव सिग्नल जाता है अपने कस्टमर को, पोटेंशियल कस्टमर को। देन आप पूरा अप टू डेट रहिए, यानी आपका जो भी वेबसाइट में इंफॉर्मेशन होगा ना, ब्लॉग्स, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, सब कुछ एकदम अप टू डेट रख, इससे आपके कस्टमर को ये लगेगा कि आप बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो। तीसरा आप कस्टमर टेस्टिमोनियल्स भी वहां पे डाल सकते हैं, जो भी आपका एग्जिस्टिंग सेटिस्फाइड कस्टमर है ना उसके वीडियो को आप अपने वेबसाइट में डाल सकते हो सच दैट आपका वहां पे बिजनेस का ट्रस्ट बढ़ेगा। चौथा आप वहां पे ऑर्गेनाइजेशनल ट्रस्ट भी डाल सकते हो, यानी आपने देखा होगा बहुत सारे वेबसाइट में लिखा रहता है कि फीचर्ड ऑन टाइम्स नाउ, फीचर्ड ऑन फोर्ब्स, फीचर्ड ऑन न्यूयॉर्क टाइम्स, इस तरीके के वहां पे ऑर्गेनाइजेशनल ट्रस्ट शो किया जाता है। तो अगर आप भी किसी जगह पे, किसी फेमस जगह पे आपने फीचर्ड किया है, आपका बिजनेस गया है, तो आप वो भी कर सकते हो। पांचवा है कि आप कुछ ऑफर कर सकते हो, कुछ गारंटी ऑफर कर सकते हो, मनी बैक गारंटी, ये सब कुछ। देन आप अपने सिक्योरिटी को इंप्रूव कीजिए, आपका वेबसाइट का सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रस्ट सिग्नल बढ़ाने के लिए। तो आप अपने वेबसाइट का सिक्योरिटी इंप्रूव कीजिए, अपना SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल कीजिए अपने वेबसाइट में, वो सब आप कर सकते हो। देन आप वहां पे यूजर जनरेटेड कंटेंट भी डाल सकते हो, यानी जो भी आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो आपके लिए जो भी कंटेंट बनाता है उसे भी आप अपने वेबसाइट में डाल सकते हो, इससे आपका
और आपका कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ जाएगा। देन है आप वहां पे ब्लॉग्स डालिए और आखिर में आप अपना अबाउट अस का पेज भी डालिए, सच दैट लोगों को ये समझ में आए कि आप एक्चुअली में आपका बिजनेस है क्या, आप अभी क्या कर रहे हो, आपका आगे का फ्यूचर प्लान्स क्या है, आप एग्जिस्टिंग कस्टमर को कैसे हैंडल कर रहे हो, सब कुछ अबाउट अस पेज में डालिए। इससे बहुत ही अच्छा मैसेज जाएगा आपके कस्टमर को। तो अगर आपको आप उनसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑब्टेन करना है तो वो कैसे होगा, आप रेस्पॉन्सिव फॉर्म्स क्रिएट कीजिए, यानी ऐसा फॉर्म जो कि मोबाइल पे भी खुले, लैपटॉप पे भी खुले, कंप्यूटर पे भी खुले, टैबलेट पे भी खुले, आईपैड पे खुले, जितने भी डिवाइसेस हैं उन सब जगह खुले, मतलब रेस्पॉन्सिव फॉर्म हो। मिनिमम इन्फॉर्मेशन डालिए, यानी नाम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, बस काम खत्म। इतना काफी होता है शुरुआती समय में कि आप इतना इन्फॉर्मेशन से भी उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देन तीसरा, आप वहां पे आप ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हो, यानी अगर आप ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हो तो जो भी आपका फॉर्म को फिल करेगा डायरेक्टली वो ईमेल के सॉफ्टवेयर में स्टोर हो जाएगा, जहां से आप डायरेक्ट उसके बाद ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो। चौथा, आप अपना प्राइवेसी पॉलिसी वहां पे इंक्लूड करके रखिए। बहुत सारे लोग आपका प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ता है, इसीलिए आपको वहां पे अपना प्राइवेसी पॉलिसी भी इंक्लूड करके रखना चाहिए। और जो पांचवा है वो आप इंसेंटिवाइज कर सकते हो, यानी आप उनको बोल सकते हो कि अगर आप उनसे साइन अप कीजिएगा, अगर आप अभी साइन अप कीजिएगा तो आप उनको कुछ एडिशनल डिस्काउंट देंगे उनके फर्स्ट परचेस पे, यानी 5-10% का डिस्काउंट ऑफर या फिर कोई कूपन। तो इस तरीके से आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑब्टेन कर सकते हो। तो ये था हमारा स्टेज टू। जो हमारा स्टेज थ्री है वो है टर्निंग इंक्वायरीज इनटू फर्स्ट टाइम बायर, यानी अब आपका कस्टमर जो भी आपसे इंक्वायरी किया था वो आपसे आप फर्स्ट टाइम बाय करेगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब कस्टमर आपके बिजनेस को समझना स्टार्ट करते हैं, आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस को समझना स्टार्ट करते हैं, आपके मार्केटिंग मैसेज को समझना स्टार्ट करते हैं, या फिर वो आपके वेबसाइट में रेगुलरली आपको विजिट कर रहा है, या फिर उसने आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दिया और वो आपको बार बार इंक्वायरी कर रहा है। तो इस तरीके से ये समझ में आता है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस के ऊपर इंटरेस्टेड है, अब वो आपसे बाय कर सकता है। तो इस स्टेज में आपको क्या करना है, आपको कुछ प्रिपरेशन करके रखना है। प्रिपरेशन क्या, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वो कौन कौन सा एरिया है, वो कौन कौन सा जगह है आपके वेबसाइट में जिसके कारण से कस्टमर चेकआउट नहीं कर पा रहा है। हो सकता है आपको कहीं पे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन ना दिए हो सकता है आपने डिलीवरी इन्फॉर्मेशन सही से नहीं दिया हो, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को सही से नहीं दिया हो, आपने सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन रखा हो, कैश ऑन डिलीवरी नहीं रखा हो, आपके और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसे आपको आइडेंटिफाई कर लेना है। देन आप कस्टमर के बिहेवियर फ्लो को भी आपको यहाँ पे एनालाइज करना है, यानी कस्टमर आपके वेबसाइट में आ रहा है तो क्या सर्च कर रहा है, आपके फनल में कौन से स्टेज में है, वो आपके आपको क्या फीडबैक दे रहा है, वो आपसे क्या इंक्वायरी कर रहा है, वो आपको यहाँ पे सब कुछ उसका देखना है, यानी कस्टमर का बिहेवियर कैसा आपके वेबसाइट में उसको पूरी तरीके से एनालाइज करना है, सच दैट अगर आपका ये स्टेज फेल होता है तो उसे आप रीमार्केट कर सको। देन आप साइट सर्च रिपोर्ट को भी एनालाइज कीजिए, यानी आपके वेबसाइट में जो भी कस्टमर कुछ भी सर्च कर रहा है प्रोडक्ट एंड सर्विस, उसका भी रिपोर्ट आपको हमेशा रखना है, सच दैट आप उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज बना सको। देन आपको अपना फनल क्रिएट करके रखना है, यानी आपका कस्टमर आपके मार्केटिंग को देख के आपके फनल के अंदर एक बार एंटर हो गया तो उसे आप कैसे कस्टमर में कन्वर्ट करोगे, उसका आपका पूरा क्लियर कट फनल होना चाहिए, यानी मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड क्या है, सेल्स क्वालिफाइड लीड क्या है, उन सबको आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके रखना है। देन आपको अपना कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करके रखना है। बहुत सारे कस्टमर ऐसे होंगे जो आपसे पहली बार प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो हो सकता है उनको आपका सर्विस पसंद आए, हो सकता है आपको उनको आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस ना पसंद आए। इसके लिए आपको अपना कस्टमर सर्विस को अच्छी तरीके से ट्रेन करके रखना होगा, इंप्रूव करके रखना होगा, सच दैट कि अगर कोई भी ग्रीवेंसेस आए तो आप उनके ग्रीवेंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाए। इसलिए आपको अपना कस्टमर सर्विस को इंप्रूव करके रखना है। और आखिर में आपको अपना कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन करके रखना है, यानी ऐसा कौन सा जगह है जिसके कारण से आपका कन्वर्जन होने से रह जा रहा है, उसे आपको देखना पड़ेगा। इसके लिए आप अपने चेकआउट डिस्ट्रैक्शन को हटा सकते हो, यानी चेकआउट के समय कौन कौन सा ऐसा डिस्ट्रैक्शन है जिसके कारण से कस्टमर आपसे ना खरीदे, उसे आपको हटा देना है। देन आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस का इन्फॉर्मेशन सही से ना दिए हो, उसे आपको सही करना है। देन अपने आपको अच्छी तरीके से अपना डिलीवरी इन्फॉर्मेशन रखना है, कैश ऑन डिलीवरी, ऑनलाइन पेमेंट, जितने भी तरीके से के डिलीवरी इन्फॉर्मेशन है उसको देके रखना है, पेमेंट इन्फॉर्मेशन आपको सब वहां पे क्लियर कट देके रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। तो ये आपका करना था यहाँ पे स्टेज थ्री का प्रिपरेशन। अब फिर भी अगर कस्टमर आपसे बाय नहीं करता है तो उसे आप एबंडेंट बास्केट का रिमाइंडर दे सकते हो, यानी आप अपने कस्टमर को ये मैसेज दे सकते हो कि आपका शॉपिंग कार्ट अभी भी खाली है तो आप कुछ परचेस कर सकते हो। दूसरा, आप सीआरएम बेस्ड रीमार्केटिंग कर सकते हो, यानी अगर एक बार कस्टमर आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे देता है
तो आप उसके सारे बिहेवियर को ट्रैक कर सकते हो, यानी वो आपके वेबसाइट में कितने देर रहा, क्या कर रहा है, वो आपके कौन से मार्केटिंग के कोलैटरल को देख के आपके वेबसाइट में आया है, वो आपके वेबसाइट में कितने देर रहा, वो आपके फनल के कौन से स्टेज में, सब सीआरएम में दिख जाता है, तो आप उसे उस हिसाब से भी मार्केटिंग कर सकते हो। और आखिर में अगर ये दोनों भी काम ना है तो आप उसे ऑफर एंड डिस्काउंट दे सकते हो, सच डेट कि वो आपसे पहली बार परचेस कर ले, आप उसे 5-10% का एडिशनल डिस्काउंट दे दो, सच डेट वो मोटिवेट हो जाए और वो आपसे पहली बार बाय कर ले। तो ये था हमारा स्टेज थ्री। जो हमारा चौथा स्टेज है वो है टर्निंग फर्स्ट टाइम बायर इनटू रिपीट बायर, यानी इस स्टेज में आप आपका जो भी फर्स्ट टाइम बायर है ना उनको अब आपको रिपीट बायर में कन्वर्ट करना है, यानी आपका जो भी पिछले तीन स्टेज में आपका जो भी प्रिपरेशन था ना अगर वो सही होगा ना तो आपका चौथा स्टेज भी आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है, आपको ये एम करके रखना है कि आपका जो चौथा स्टेज है ना उसमें आपको अपने फर्स्ट टाइम बायर को रिपीट बायर में कन्वर्ट करना है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपने जो भी प्रॉमिस किया था कि आप ऐसा ऐसा सर्विस डिलीवर करोगे, क्या आपने वो डिलीवर किया, आपने जो मार्केटिंग मैसेज दिया था क्या आपने उसे सच में फुलफिल किया, अगर किया है तो आपका स्टेज फोर जरूर निकलेगा। तो आपको स्टेज फोर में भी कुछ प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको एनालाइज करना पड़ेगा कस्टमर का रिपीट परचेस बिहेवियर को, यानी कस्टमर आपके साइट में आके कौन कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहा है, आपको उसको अच्छी तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक बार एनालाइज कर दोगे ना तो आप उसी हिसाब से उसको नेक्स्ट रीमार्केटिंग कर सकते हो। देन आप अपना एग्जिस्टिंग आपका जो भी मार्केटिंग एक्टिविटी चल रहा है ना उसकी परफॉर्मेंस को भी आप ट्रैक कर सकते हो। आपने स्टेज फोर में जो भी अपना मार्केटिंग करने का सोचा है क्या वो आपका मार्केटिंग सही से काम कर रहा है कि नहीं, आपको उसको भी एनालाइज करना है। तीसरा, आपको अपना कस्टमर सर्विस को मेंटेन करके रखना है। कस्टमर सर्विस आपको हर स्टेज में ही मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि आप कस्टमर सर्विस से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट के कारण कुछ हद तक कस्टमर को ग्रीवेंसेस हो, कस्टमर को आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस अच्छा ना लगा हो, लेकिन अगर आपने अपना कस्टमर सर्विस को अच्छा रखा ना तो वो कस्टमर आपसे फिर भी रिपीट बाइंग करते रहेगा, क्योंकि आपने उनको निराश होने का मौका नहीं दिया। और चौथा, आपको अपना प्रोडक्ट का सिलेक्शन, आपको अपना डिलीवरी और अपना क्वालिटी चेक को हमेशा इंप्रूव करके रखना है, बढ़िया करके रखना है, यानी आपके वेबसाइट में कौन कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा चल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा खरीदा जा रहा है, वो प्रोडक्ट आपको हमेशा वहां रखना ही होगा। डिलीवरी को ऑन टाइम रखिए, या फिर आप जल्दी दे सकते हैं तो जल्दी करिए, वो भी आप कर सकते हैं, डिलीवरी आपको एकदम बढ़िया करके रखना पड़ेगा। और आखिर में आपका जो क्वालिटी चेक है, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना आपको प्रोडक्ट में, तो आपको अपना क्वालिटी भी बढ़िया करके रखना पड़ेगा। यही मैं बात करूं स्टेज फोर में आप कौन कौन सा मार्केटिंग कम्युनिकेशन रख सकते हो, यानी आप क्या क्या मार्केटिंग कैंपेन वहां पर रन कर सकते हो। तो सबसे पहले आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन कैंपेन रन कर सकते हो, यानी आप डायरेक्टली अपने कस्टमर को कॉन्टेक्ट करके बोल सकते हो कि आप हमसे रिपीट बाइंग कर सकते हैं, आप हमसे ये प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं, हमारे पास ये सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो आप इस तरीके से डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हो। दूसरा, आप पोस्ट परचेस सीक्वेंस के हिसाब से भी रीमार्केटिंग कर सकते हो, यानी अगर कस्टमर ने आपसे मोबाइल खरीदा है, कोई लेटेस्ट फोन खरीदा है, तो वो आपसे पावर बैंक भी खरीद सकता है, चार्जर खरीद सकता है, ईयरफोन खरीद सकता है, मोबाइल का बैक कवर खरीद सकता है, और जितने भी अन्य एसेसरीज है वो आपसे खरीद सकता है। तो अगर आपको उनका पोस्ट परचेस सीक्वेंस पता होगा ना तो आप उनको उस हिसाब से रीमार्केट कर सकते हो। तीसरा, आप फर्स्ट परचेस एनिवर्सरी कैंपेन भी रन कर सकते हो, यानी जो कस्टमर आपसे पिछले कुछ महीनों में या कुछ सालों में कुछ ना खरीदा हो तो उनके लिए भी एक कैंपेन रन कर सकते हो, सच डेट आप उनको वापस कुछ खरीदने के लिए आप उन्हें मोटिवेट कर सकते हो बाय गिविंग देम एडिशनल 10% या 20% डिस्काउंट अपने प्रोडक्ट पे। चौथा, यू आर अबाउट टू रन आउट कैंपेन भी आप रन कर सकते हो, यानी जो भी आपसे फर्स्ट टाइम परचेस कर लिया है अगर आप उनको और मोटिवेट करना है कि वो आपसे रेगुलरली बाइंग करते रहे तो आप उनको ये कैंपेन भी रन कर सकते हो, जहां पे आप उनको डायरेक्टली बोलोगे कि इन दो दिनों के लिए आपके लिए स्पेशल ऑफर है, जहां पे आपको हर प्रोडक्ट पे या कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे 10-20% का भी डिस्काउंट मिल सकता है, तो आप हमसे ये प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यू आर अबाउट टू रन आउट कैंपेन रन कर सकते हो। एंड आफ्टर देन आप रीएक्टिवेशन कैंपेन भी कर सकते हो, यानी अगर आपका कोई सब्सक्रिप्शन मॉडल चल रहा है तो आप उसके लिए भी रीएक्टिवेशन कैंपेन कर सकते हो, और आखिर में आप रीमार्केटिंग कैंपेन तो कर ही सकते हो, यानी जो भी कस्टमर आपसे फर्स्ट टाइम बाय कर लिया है उनको आप रीमार्केट करिए और आप उनको इन्फ्लुएंस कीजिए कि वो आपसे रेगुलरली बाइंग करते रहे। तो ये था हमारा स्टेज फोर। जो हमारा स्टेज फाइव है वो है टर्निंग रिपीट बायर इंटू रेगुलर बायर, यानी इस स्टेज में आपका जो भी कस्टमर जो आपसे रिपीटेडली बाय कर रहा है अब उनको आपको रेगुलर बायर बना देना है, यानी वो कस्टमर जो आपसे रिपीटेडली बाय कर रहा है अब उनको आपको रेगुलर बायर बना देना है, यानी वो आपसे हमेशा खरीदी करते रहे आपको उनको उसमें कन्वर्ट कर देना है।
अगर आपने स्टेज 1, 2, 3, 4 को अच्छी तरीके से कर लिया होगा ना, तो स्टेज 5 में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सब कुछ ऑटोमेटिकली होते जाएगा। तो स्टेज 5 की आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, सबसे पहले आप सर्वे रन कर सकते हैं, यानी कस्टमर से आप डायरेक्ट पूछिए कि आप उनसे डायरेक्ट फीडबैक लीजिए कि उनको आपके वेबसाइट में क्या पसंद आ रहा है, आप उनको क्या ना पसंद आ रहा है, प्रोडक्ट में क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, सारा फीडबैक लीजिए और उस हिसाब से अपने आपको इंप्रूव कीजिए। देन आप उनके लिए कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हो। आपने देखा होगा बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनी अपने कस्टमर का एक छोटा सा कम्युनिटी क्रिएट कर देता है। ये कम्युनिटी क्रिएट करने से फायदा क्या होता है कि कस्टमर आपका ग्रुप में ज्वाइन हो गया, आपके पेज में ज्वाइन हो गया है, देन आप उनको डायरेक्टली वहां पर रीमार्केटिंग कर सकते हो, आप उनको डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्काउंट और ऑफर दे सकते हो जिससे आपकी मार्केटिंग फ्री में हो जाएगी वहां पे। तीसरा है आपको RFM फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करना है, यानी रिसेंसी फ्रीक्वेंसी और मॉनेटरी वैल्यू। अगर आपको यह देखना है कि कितने कस्टमर आपके रेगुलर बायर बन गए हैं, तो आपको यह फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करना है। रिसेंसी यानी कस्टमर ने आपसे लास्ट परचेस कब किया था, फ्रीक्वेंसी यानी कस्टमर आपसे कितनी बार खरीदी कर चुका है, कितनी बार वो आपके दुकान में आता है, आपके शॉप में आता है, आपके स्टोर में आता है आपसे खरीदी करने, और देन मॉनेटरी वैल्यू, कस्टमर ऑन एन एवरेज जितनी बार आता है वो आपसे कितने रुपए का सामान खरीद के जाता है। तो आप इसका एक बेंचमार्क सेट कर सकते हैं कि रिसेंसी में इतना बेंचमार्क होगा तो सही होगा, फ्रीक्वेंसी में इतना बेंचमार्क सही होगा तो सही होगा, और मॉनेटरी वैल्यू यानी इतना अगर वो सामान खरीदता है तो वो मेरा रेगुलर बायर। तो इस तरीके से आप बेंचमार्क सेट कर सकते हो, और अगर उस बेंचमार्क में कोई कस्टमर, अगर कुछ ग्रुप ऑफ कस्टमर खड़े होता है, यानी वो आपके आप रेगुलर बायर बन चुके हैं। और चौथा है कि आप अपने ब्रांड एडवोकेट्स को भी पहचान सकते हो, यानी आपके कितने ऐसे कस्टमर है जो आपके ब्रांड को रिकमेंड कर रहा है वो भी आपको पता लगाना पड़ेगा, NPS स्कोर से आप वो कर सकते हो। तो ये था हमारा स्ट्रेटजी। अब स्टेज 5 की टैक्टिक्स क्या होगी, आपका जो भी ऐप है ना, ऐप या वेबसाइट, उसका इजी टू यूज बनाना, यानी कस्टमर आपके वेबसाइट में बहुत ही आसानी से आपके वेबसाइट को यूज कर पाए, ऐप को यूज कर पाए, आपको ऐसा इंटरफेस लगाना है। देन आप इंस्ट्रक्शन भी लगा सकते हो आपके ऐप को कैसे यूज किया जाए, वो आप कर सकते हो। तीसरा, आप अपीलिंग यूजर इंटरफेस रख सकते हो, यानी ऐसा इंटरफेस जिसके कारण से कस्टमर को बहुत ही अच्छा लगे आपके ऐप को इस्तेमाल करने के लिए। चौथा, आप कंसिस्टेंट कस्टमर एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करना है डिफरेंट टच पॉइंट्स में, यानी आपके वेबसाइट में जितना भी टच पॉइंट है, चेकआउट प्रोसेस हो, प्रोडक्ट को कोई सेलेक्ट कर रहा है वो हो, जितना भी कुछ है उन सब में आपको कंसिस्टेंट कस्टमर एक्सपीरियंस डिलीवर करना है। और पांचवा, आपको अपने कस्टमर को कुछ नया देना है, यानी हर समय अगर आप कस्टमर को कुछ नया प्रोवाइड करोगे, कुछ ऑफर एंड डिस्काउंट, कुछ ऐसा प्रोडक्ट जो उसके बहुत ही काम का है, तो आप उनके लिए सरप्राइज एंड डिलाइट वाला मोमेंट क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप स्टेज 5 को भी क्लियर कर जाओगे अगर आप ये टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी अपनाओगे। तो इसी के साथ हमारे वीडियो खत्म होता है। आशा करता हूं कि आपको जो मैंने 5 स्टेजेस दिया है वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। स्टेज 1, 2, 3, 4, 5, 5 स्टेजेस को अगर आपका कस्टमर सक्सेसफुली निकाल दिया तो वो कस्टमर आपका लॉयल कस्टमर बन जाएगा, उसके बाद वो आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। और यही बात मैसिव एक्शन प्लान की, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको पूरा तरीके से प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी हर स्टेजेस की, यानी हर स्टेज में जो भी आपका मार्केटिंग स्ट्रेटजी होगा ना उसको आपको प्रॉपर क्रिएट करके रखना है, और जो भी आपका मार्केटिंग कम्युनिकेशन होगा ना उसको आपको पावरफुल रखना है, यानी आपका जो भी ब्रांड मैसेज है, मार्केटिंग मैसेज है, वो आपके कस्टमर तक पहुंच जाए, उस तरीके का आपको पावरफुल मार्केटिंग कम्युनिकेशन बनाना होगा। तो ये था हमारा मैसिव एक्शन प्लान। और आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, रिपीटेडली देखिएगा, जब तक ना समझ में आए तब तक देखिएगा। और मैं आपको एक अनाउंसमेंट देना चाहता हूं, मैं एक नई कम्युनिटी के साथ जुड़ गया हूं जिसका नाम है बड़ा बिजनेस कम्युनिटी। ये कम्युनिटी डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने बनाई है, और ये कम्युनिटी बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, सोलोप्रेन्योर्स के लिए है जो लोग रेगुलरली बिजनेस कंटेंट क्रिएट करके डाल रहा है, और बहुत सारे लोग वहां पे उस बिजनेस कंटेंट को कंज्यूम करके बिजनेस नॉलेज भी ले रहा है। तो अगर आपको भी बिजनेस नॉलेज लेना है तो आप उस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, और वहां से आप डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस कंटेंट वहां पे आप कंज्यूम कर सकते हो। मैं भी उस बड़ा बिजनेस कम्युनिटी में हूं, और मेरे वहां पे अच्छे खासे 900 प्लस फॉलोअर्स हो चुके हैं, और आप मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हो, और वहां पे आप मुझसे भी बहुत सारे बिजनेस लेसन सीख सकते हो। आपने इस पूरे वीडियो को देखा, हमारे रीडिंग मटेरियल पढ़ा, बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप को डाउनलोड किया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।